नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भारतीय सेना के पराक्रम और जोश के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। वायुसेना की शक्तियों के आगे पाकिस्तान एक मिनट भी नहीं टिक पाया और पाकिस्तान में घुसकर आतंक के अड्डों को चंद मिनटों में तबाह कर दिया। बड़ी तबाही के बाद भी पाकिस्तान भारत को आंखें दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत पाकिस्तान से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान पर हमले के बाद राजस्थान की बॉर्डर्स पर भी हलचल तेज हो गई है। बॉर्डर से जुड़े गांवों को खाली कराया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच राजस्थान भी हर स्थिति से निपटने को तैयार है। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672। पाक से सटी 4 जिलों की 1037 किलोमीटर सीमा पर होने वाली हरकत को लेकर BSF, सेना, पुलिस प्रशासन सहित सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। स्थानीय सरपंचों को गांव खाली कराने की सूचना भी दे दी गई है। इसके अलावा गंगानगर में पाकिस्तानी सीमा पर हुई फायरिंग के बाद भी राजस्थान में तैनात सेना पूरी तरह से अलर्ट है। इससे पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तब भी पाकिस्तान से सटे राजस्थान की बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया था और इस बार भी सेना ने बारीकी से निगरानी रख रखी है। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद में अब पाकिस्तान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है, देश में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, 37 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, क्या सोचते हैं आप कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना सेलफोन उठाइए और सेल्फी वीडियो बनाकर आपका जवाब क्या है हमें भेजें।